पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ का सारांश बताया था। आज मैं प्रश्न अभ्यास कराने जा रहा हूँ। मौखिक कौशल में प्रश्न का वाचन और श्रुति लेख है। इसके बाद मौखिक कौशल में पहला प्रश्न आपका है, अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए क्या कहा। अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए क्या कहा, तो अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा कि बीरबल, बैगन की सब्जी बहुत खराब सब्जी है, आपका क्या कहना। अगला क्वेश्चन है, बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए क्या क्या कहा। बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए क्या क्या कहा, तो इस बात को मैं बता चुका हूं। इसका उत्तर हुआ कि बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए कहा कि हजूर, इस सब्जी को केवल गधे ही पसंद करते हैं। इस पर अकबर खुश हो गए। अगला प्रश्न है, बीरबल ने बैंगन को सब्जियों का राजा क्यों कहा। तो बीरबल ने बैंगन को सब्जियों का राजा इसलिए कहा क्योंकि बैंगन के सिर पर मुकुट होता है, इसलिए बैंगन को सब्जियों का राजा कहा गया। अब है लिखित कौशल, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लिखित कौशल में क नंबर, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, अकबर किसके साथ खाना खा रहा था। अकबर किसके साथ खाना खा रहा था। इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर, अकबर बीरबल के साथ खाना खा रहा था। अकबर बीरबल के साथ खाना खा रहा था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अकबर को बैंगन की सब्जी कैसी लगी। पहली बार अकबर को बैंगन की सब्जी कैसी लगी। उत्तर, पहली बार अकबर को
बैंगन की सब्जी बहुत खराब लगी। पहली बार अकबर को बैंगन की सब्जी बहुत खराब लगी। तीसरा प्रश्न है, अंत में अकबर ने बीरबल के बारे में क्या कहा। अंत में अकबर ने बीरबल के बारे में क्या कहा। उत्तर, अंत में अकबर ने बीरबल के कहा बीरबल तुम बहुत चतुर हो। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम बहुत चतुर हो। इस तरह आपका प्रश्न का समाप्त हुआ। अगला प्रश्न अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।